हाल ही में मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरा स्लाइस कार्ड नहीं चल रहा है, मेरा लेजी पे कार्ड नहीं चल रहा है, मेरा यूनी पे कार्ड नहीं चल रहा है और तो और जितने भी मार्केट में BNPL की सर्विसेज चल रही हैं, इन सभी के कार्ड्स नहीं चल रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में मुझसे ऐसा पूछा गया है कि सर BNPL सर्विसेज की लिमिट भी नहीं चल रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए और आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए। इसके पीछे का रीजन यह है कि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर पास किया था जहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि 1 नवंबर 2022 से जितने भी मार्केट में BNPL सर्विसेज हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे और इसी के साथ साथ इनऑपरेटिव हो जाएंगे। क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये था कि जितने भी मार्केट में BNPL सर्विसेज की लाइन है या BNPL सर्विसेज के कार्ड हैं वो लोग इसके कस्टमर्स को डेफिनेटली पर्सनल लोन इशू करते थे। मतलब आप यूज तो करते थे BNPL कार्ड, लेकिन ये इस कार्ड के पीछे की जो लिमिट थी वो एक तरीके से पर्सनल लोन की लिमिट थी। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि इन चीजों को रोका जा सके। तो रिसेंट गाइडलाइंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन कंपनीज को ये कहा था अगर आप अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करते हैं तो आप पर बैन लगाया जाएगा। तो करंटली बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने ऑपरेशंस को चेंज कर रही हैं। मतलब जितने भी BNPL सर्विसेज की कंपनीज हैं वो खुद को बदल रही हैं UPI एप्लीकेशन में। अब आगे जाकर फ्यूचर में क्या होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो BNPL सर्विसेज ऑफर करती थी वो अब UPI एप्लीकेशन बन जाएंगे और यहाँ पर आप गूगल पे की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए करंटली बहुत सारे BNPL सर्विसेज के जो कार्ड्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। और अगर अभी आप भी यूज करते हैं BNPL सर्विसेज जैसे कि स्लाइस, लेजी पे, यूनी पे, तो करंटली आपको आपका जो पेमेंट है वो टाइम पर ही करना है, इसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपका जो कार्ड है वो करंटली काम नहीं करेगा क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट है। अब आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि ये कंपनीज इस कार्ड को कैंसिल कर दे, आपके कार्ड के ऊपर जिस लोन को पास किया गया है उस लोन को बंद कर दे या ऐसा कुछ नया अपडेट आ सकता है। तो अगर आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर पैनिक क्रिएट नहीं करना है और आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि आपके क्रेडिट कार्ड के साथ या क्रेडिट लाइन के कार्ड के साथ क्या हो रहा है। और अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी जीरो बैलेंस के साथ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाई मनी का। अगर आप फाई मनी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपका जो डेबिट कार्ड है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, आपको अकाउंट मेंटेनेंस की फी भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी के साथ साथ आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो आप जीरो भी रख सकते हैं। तो फाई मनी की रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इस लिंक का इस्तेमाल करना और आपको मिलेंगे ₹200 बोनस के। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।